आश्विन शुक्ल पक्ष शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमेशा आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष समाप्त होते ही नवरात्र उत्सव शुरू हो जाता था, परंतु इस वर्ष आश्विन माह में ही अधिक मास लगा हुआ था, जिसके कारण आश्विन माह पूरे 2 महीने का हो गया। इसलिए पितृपक्ष संपन्न होने के 1 माह बाद नवरात्र प्रारंभ होगा। अधिक मास मलमास के संबंध में जानने के लिए एवं अधिक मास की समस्त कथा व्रत विधान आदि श्रवण करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा और इस नवरात्र के मध्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां पड़ेंगी, आज की वीडियो में यह हम जानेंगे। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने चैनल पर अभिनंदन करता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही कर लें। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पुनः आपका स्वागत है। भगवती जगत जननी सबका कल्याण करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा। इस दिन शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार रहेगा। चित्रा नक्षत्र विषकुंभ योग किंस्तुग्न करण एवं तुला राशि की चंद्रमा रहेंगी। रात्र में तुला राशि की संक्रांति भी प्राप्त हो जाएगी, जिससे संक्रांति से पूर्व काल होने से अत्यंत शुभ योग बन रहा है। शास्त्रों की माने तो 165 वर्ष बाद ऐसा शुभ मुहूर्त नवरात्र में बन रहा है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में देवता की उपासना पूजा व्रत जप तप होम यज्ञ वर्ष भर होते ही रहते हैं, परंतु नवरात्र विशेष में भगवती की कृपा प्राप्त करने का अच्छा योग उपस्थित होता है। हमारे शास्त्रों में हर कार्य को करने के पीछे कोई न कोई शुभ संदेश वैज्ञानिक कारण अवश्य छुपे होते हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखें तो शरद ऋतु के समय होने वाले नवरात्र में भगवती अर्थात शक्ति की उपासना के कई मायने हैं। शरद ऋतु होने से शरीर की ऊर्जा वृद्धि हेतु प्राकृतिक बदलाव नवीन धान्यादि की प्राप्ति तथा पितृ उपासना के बाद देव उपासना कार्य आदि कारण हैं। इस समय हमारे कृषि प्रधान देश में गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों के पास समय रहता है, वह निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ शक्ति की उपासना कर सकते हैं। पितृपक्ष भर पितर निमित्त श्राद्धादि से यदि आप क्षीण भी हो गए हो तो नवरात्र में शक्ति का अर्जन कर सकते हैं, पुनः अपने कार्यों में लग सकते हैं, यह भी प्रयोजन निहित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौराणिक दृष्टि से यह हम देखें तो राम रावण के युद्ध का यह काल भी है, जिसमें भगवान राम को आतताई रावण को मारने के लिए शक्ति की उपासना करनी पड़ी, इसलिए भी यह नवरात्र अति महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान राम के रावण पर विजय के उत्सव के रूप में विजयादशमी को हम मनाते हैं और उसी विजयादशमी को नवरात्र के पारण का भी विधान होता है। वर्ष भर में 4 नवरात्रों का विधान है। चैत्र शुक्ल पक्ष में वासंतिक नवरात्र, आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र एवं आषाढ़ तथा माघ में गुप्त नवरात्र कहे गए हैं। कुछ लोगों को नवरात्र शब्द में भी भ्रम है, जो इसे नवरात्रि नवरात्रे आदि नाम से संबोधित करते हैं। इसका शुद्ध नाम नवरात्र है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदमारभ्यो महानवमी पर्यंतम क्रियमाणम कर्मो तस्य नवरात्र नामधेयम्। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर महानवमी पर्यंत किए जाने वाले कर्म को नवरात्र से संबोधित करते हैं। नवानाम रात्रिणाम समाहारः अर्थात नवरात्रियों का समूह
द्वंद्व समास होने से इसे नवरात्र संबोधन किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि इस नवरात्र में भगवती का वाहन क्या होगा। ससि सूर्य गजारूढ़े शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिताः। अर्थात सोमवार और रविवार को भगवती का आगमन गज पर होता है, शनिवार और मंगलवार यदि दिन पड़ता है तो भगवती घोड़े पर आती हैं, गुरुवार और शुक्रवार यदि वार पड़े तो भगवती पालकी में आती हैं, और यदि बुधवार पड़ता है तो भगवती की सवारी नौका होती है। इस बार नवरात्र शनिवार से शुरू हो रहा है, इसका मतलब भगवती घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़े पर आगमन को बहुत अच्छा नहीं मानते, इससे यह फल निकलता है कि इस वर्ष पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बनी रहेगी, सत्ता परिवर्तन आदि योग बन सकते हैं। इस वर्ष भगवती का गमन महिष पर होगा जो कि क्षोभ को देने वाला होगा। आइए नवरात्र के समस्त तिथियों को जान लेते हैं। 17 अक्टूबर 2020 नवरात्र आरंभ, कलश स्थापन ध्वजारोपण। दिन में 11:38 से 12:23 तक अभिजित मुहूर्त भी रहेगा। 20 अक्टूबर 2020 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी है। जो लोग गणेश जी का व्रत करते हैं वह इस दिन व्रत करेंगे। 21 अक्टूबर 2020 को उपांग ललिता का व्रत होगा। 23 अक्टूबर 2020 को महानिशा पूजा एवं लोक व्यवहार, जहां सप्तमी को भगवती का आगमन माना जाता है उसके हिसाब से भगवती का पालकी पर आगमन होगा। 24 अक्टूबर 2020 को महाअष्टमी व्रत, महानवमी व्रत भी किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2020 को नवमी पर्यंत हवन आदि, तदुपरांत विजयादशमी जन्म पुण्यकाल, शमी पूजा, शस्त्र पूजा, नीलकंठ दर्शन, जयंती ग्रहण, विजय यात्रा और भगवती की विदाई एवं नवरात्र का समापन होगा। 26 अक्टूबर 2020 को भी कुछ स्थानों पर विजयादशमी मनाई जाएगी। 27 अक्टूबर 2020 को पापांकुशा एकादशी, इसी दिन काशी की सुप्रसिद्ध नाटी मिली की रामलीला में भरत मिलाप होगा। 28 अक्टूबर 2020 को प्रदोष का व्रत होगा एवं पद्मनाभ द्वादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन से दाल के त्याग का व्रत आरंभ होगा। 30 अक्टूबर को निशा व्यापिनी शरद पूर्णिमा होगी, कोजागरी व्रत होगा। इस दिन रात्र में लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा का विधान है, रात्र जागरण का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए लोग खीर वगैरह बनाकर अपने छतों पर रखते हैं। 31 अक्टूबर 2020 को स्नान, दान एवं व्रत की पूर्णिमा होगी। महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ साथ आश्विन माह का भी समापन होगा। इसी दिन से कार्तिक व्रत, स्नान, दान, कार्तिक मास का दीपदान आदि भी शुरू हो जाएंगे। भगवती का आगमन हमारे लिए, हमारे देश के लिए शुभ हो। आप हम सब श्रद्धा के साथ भगवती की पूजा को संपन्न करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। शीघ्र ही नवरात्र में भगवती की उपासना से संबंधित और भी वीडियो के साथ आप सबके मध्य उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय विश्वनाथ।